एंड वेलकम टू अमिक रेजर का। मेरा नाम है अमृता। तो दोस्तों, आज के स्टूडियो में मैं आपके साथ में अमेजिंग टिप शेयर करने वाली हूँ जो आपकी बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। मेरे चैनल पे आपको ऐसे इंटरेस्टिंग टिप्स मिलते रहते दोस्तों, वो भी रोज। इसीलिए अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर लीजिए और बेल आइकन के साथ, ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मेरी आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हमारे चेहरे पर दाग धब्बे होते हैं, झाइयां होती है, तो ये हमारे खूबसूरती को कम कर देती है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि किस तरीके से आप अपने चेहरे के दाग धब्बों को दूर कर सकते हैं, पिंपल्स, झाइयों के निशान को भी कम कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि हमारे चेहरे पर अनचाहे बाल हैं तो उन्हें भी हम अपने चेहरे से किस तरीके से निकाल सकते हैं। हमारे चेहरे पे जो छोटे छोटे से बाल होते हैं ना दोस्तों, जो चाहे अपर लिप्स पे हो, चाहे फोर हेड पे हो, ऐसे छोटे छोटे बालों को बहुत ही आसानी से रिमूव करने वाला है ये नुस्खा। और साथ ही साथ जो हमारे चेहरे पर निशान है, दाग धब्बे हैं, झाइयां हैं, वो जड़ से ख़त्म हो जाने वाली है। दोस्तों, कोशिश करें कि हमेशा आप होम रेमेडीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि जो होम रेमेडीज़ होती है उसमें कोई किसी भी तरीके का केमिकल मिला हुआ नहीं होता है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होता है। और होम रेमेडीज़ के इस्तेमाल से ही आपकी जो समस्याएं हैं ना जो दोस्तों, वो जड़ से ही समाप्त हो जाती है, दोबारा आने नहीं पाती है। तो सबसे पहले इस रेमेडी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 चम्मच बेसन। बेसन एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जो हम सभी के घर में हर वक्त अवेलेबल होती है। साथ ही दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि बहुत ही पुराने समय से बेसन का इस्तेमाल हमारे चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए, चेहरे को निखारने के लिए, रंगत को निखारने के लिए किया आता जा रहा है। और बेसन में जो दूसरी चीज हम मिलाने वाले हैं दोस्तों, वो है शहद। शहद क्या करता है दोस्तों, शहद हमारे स्किन को मॉइस्चराइज रखता है, साथ ही हमारे चेहरे पर ग्लो लाता है। तो आपको यहाँ पे बेसन के साथ करीब 1 चम्मच शहद का इस्तेमाल करना है। तो मैं ज़्यादा यहाँ पे पैक बनाकर नहीं रख रही हूँ, केवल 1 चम्मच बेसन के साथ 1 चम्मच आपको शहद मिलाना है, क्योंकि चेहरे के लिए दोस्तों इतना पैक काफ़ी होता है। इस पैक को लगाने के बाद आपके स्किन का कॉम्प्लेक्शन भी फेयर होगा। और इस पैक में बेसन होने की वजह से, जो बेसन होता है ना दोस्तों, इसके जो छोटे छोटे से कण होते हैं ना, ये हमारे चेहरे पर से मृत कोशिकाओं को, यानी कि डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है। और ये पैक जो है सभी स्किन टाइप वालों को सूट करेगा, चाहे आपकी स्किन ऑयली हो, सेंसिटिव हो, नॉर्मल हो, कॉम्बिनेशन हो या ड्राई हो। अब जो अगला इंग्रेडिएंट हम इसमें मिलाएंगे वो है 1 चुटकी हल्दी। आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल 1 चुटकी हल्दी ली है यहाँ पे। ज़्यादा हल्दी आपको यहाँ पे नहीं लेना है, क्योंकि अगर ज़्यादा मात्रा में हल्दी का इस्तेमाल करेंगे तो चेहरे पर हमारे पीलापन आएगा। हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है। इसमें इतनी सारी प्रॉपर्टीज है दोस्तों, ये खुद ही अपने आप में एक मेडिसिन है। हल्दी के अनगिनत फायदे हैं दोस्तों। हल्दी के इस्तेमाल से हमारे चेहरे की रंगत भी निखरती है, साथ ही अगर हमारे चेहरे पर मुहासे हैं, पिंपल्स हैं, तो उन्हें बढ़ने से रोकने का काम करती है हल्दी। थोड़ा सा इसमें हम शहद और डालेंगे, क्योंकि हमें इसका घोल बनाना है, ज्यादा इसे पतला हमें नहीं करना है। अगर इस पैक का इस्तेमाल आप अपने चेहरे पर रेगुलर बेसिस पे करते हैं ना दोस्तों, तो आपके चेहरे पर समय से पहले झुर्रियां आने नहीं पाएगी और साथ ही आपकी त्वचा भी बढ़िया ग्लो करेगी। अब इन तीनों ही चीज़ों को, बेसन, हल्दी और शहद को मिक्स कर ले अच्छी तरीके से। इस पैक को मैंने ज़्यादा नहीं बनाया, क्योंकि इतना ही पैक काफ़ी होता है हमारे चेहरे के लिए। इसे आपको थोड़ा थिक ही रखना है, गाढ़ा रखना है, क्योंकि जब गाढ़ा आप रगड़ते हुए अपने चेहरे पर से इसे निकालेंगे ना, तो अनचाहे बाल जो होते हैं ना छोटे छोटे से, वो भी आसानी से निकल जाएंगे। ये एक ऐसा फेस पैक हमने बनाया दोस्तों, जो आपके चेहरे पर ग्लो लाएगा, निखार लाएगा, साथ ही आपके चेहरे की त्वचा को सुंदर बनाए रखने में आपकी मदद करेगा और अनचाहे बालों को भी हटाने का ये काम करेगा। और शहद भी चिपचिपा होने की वजह से जब हम इसे रगड़ते हुए अपने चेहरे पर से निकालेंगे तो बहुत ही आसानी से अनचाहे बाल रिमूव हो जाएंगे। कई बार हमें ऐसा समय नहीं मिलता है कि हम अपने चेहरे की केयर कर पाए, तो ये एक ही पैक आपके चेहरे की केयर भी करेगा, साथ ही अनचाहे बालों को निकालेगा भी। इस पैक को पूरा अपने चेहरे पर लगा लें और कम से कम 10 मिनट तक इस पैक को अपने चेहरे पर सूखने दें। इस पैक को आपको पूरा सूखने नहीं देना दोस्तों, हल्की सी नमी बनी रहे इसमें, उतना ही आपको इसे सुखाना है, क्योंकि जब हम इसे निकालेंगे तब हम ऊपर की ओर मसाज करते हुए निकालेंगे। और आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आपको इसे निकालना है, ताकि अनचाहे बाल भी बहुत ही आसानी से रिमूव हो जाएंगे। शहद आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाए रखेगा, साथ ही एक बहुत ही बढ़िया सी चमक भी आएगी आपके चेहरे पर। अब बस लगा के 10 मिनट इसे ऐसे ही छोड़ दें। अब बस एक कॉटन पैड ले लें, 10 मिनट बाद इसे नीचे से ऊपर की तरफ इस तरीके से आप निकालें। ऐसा करने से जो छोटे छोटे से बाल हैं वो अपने आप ही रिमूव हो जाएंगे। आपको इसे इतना अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा दोस्तों कि आप खुद ही इसका रिजल्ट देख के हैरान हो जाएंगे। और इस पैक को आप हफ्ते में एक बार ज़रूर इस्तेमाल करें दोस्तों, रेगुलर बेसिस पे। अगर आप हफ्ते में एक बार भी इस्तेमाल कर लेते हैं दोस्तों,
तो आपके चेहरे पे समय से पहले झुर्रियां आने ही नहीं पाएगी। 40 साल की उम्र में भी आप 25 के नजर आएंगे अगर आप इस रेमेडी को इस तरीके से लगा लेते हैं तो। हल्का हल्का सा रगड़ते हुए, ज्यादा ताकत नहीं, बस हल्का हल्का सा ही आपको अपर डायरेक्शन में रगड़ते हुए से निकालना है और उसके बाद आप नॉर्मल वाटर से वॉश कर सकते हैं। समय समय से अगर आप इस रेमेडी को करते रहेंगे तो आपको ब्यूटी पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सभी चीज़ों के लिए हम ब्लीच कराते हैं, वैक्सिंग कराते हैं। तो अगर ब्लीच कराते ना दोस्तों, तो ये हमारे स्किन के लिए भी लंबे समय के लिए अच्छा नहीं होता है, हमारे स्किन पर कालापन आता है। दोस्तों आप भी इस रेमेडी को, सिंपल सी रेमेडी को ज़रूर ट्राई करें, ये रेमेडी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, ताकि आपके ज़रिए उनकी भी मदद हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।